अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं बीकॉम कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल में लगे वाईफाई का पासवर्ड जो है मालूम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। दरअसल वाईफाई का पासवर्ड मालूम करने के लिए कुछ शरायत हैं। अगर आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड मालूम करना है जो कि आपके मोबाइल में कनेक्टेड है या आपके किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में कनेक्टेड है, तो उसका आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस कहाँ होता है और आईपी एड्रेस को कैसे चेक करते हैं किसी भी वाईफाई का। तो मेरे वाईफाई का जो है आईपी एड्रेस कुछ यूं है। तो मैं गूगल पर जाता हूँ, यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ। मेरे वाईफाई का आईपी एड्रेस है ये वाला 192.168.1.html.com। ये है मेरे वाईफाई का आईपी एड्रेस। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको टाइप किया है तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है गो टू डायरेक्टली द वेब पेज। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे सामने ये एक पेज ओपन शो हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे जाना है सेटिंग में। मैं चलता हूँ सेटिंग की तरफ। सबसे पहले मुझे सेटिंग में जाना है और जो मेन बात होती है ये आती है जो इस यूज़र नेम और पासवर्ड। जितने भी राउटर होते हैं, जितने भी वाईफाई होते हैं, उनके जो राउटर होते हैं उनका पासवर्ड जो है एडमिन ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने भी इसका पासवर्ड जो है रीसेट करके एडमिन रख लिया ताकि आपको चेक करा सकूं। जितने भी वाईफाई होते हैं उनका पासवर्ड जो है नॉर्मली जो राउटर होते हैं उनका पासवर्ड एडमिन ही होता है। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैंने कर देना है लॉग ऑन। जैसे ही मैंने लॉग ऑन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास आ गया है द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड इज़ टू लो। ये मुझसे पूछा है कि तुम्हारा जो पासवर्ड है वो थोड़ा लो है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ। तो आमतौर लोग पता क्या करते हैं, अपना बस खुद से ही पासवर्ड लगा देते हैं सेटिंग के अंदर जाकर, और जो लॉग ऑन पासवर्ड होता है जो मैंने अभी लगाया इसको तब्दील नहीं करते और यही लगा रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेटर पे। आपके ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मैं इसका पासवर्ड अभी लगाया है, यानी कि तो इसलिए ऑप्शन ये आ रहा है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा वलान, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है वलान बेसिक सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है VPA प्री शेयर्ड की। तो ये देखें मेरे पास जो है मेरा वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें जैसे ही मैं शो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो वाईफाई मेरा कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जो है मुझे शो हो गया है। तो इस तरह जो है आप अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है मालूम कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका आता है वो रूटेड है, और उसके लिए आपको एक फ़ाइल डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है EX फाइल एक्सप्लोरर। दरअसल ये एप्लीकेशन भी काम करती है लेकिन अभी तक ये प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई है। ये उन फ़ोन्स के लिए होती है जो के रूटेड होते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फ़िलहाल मेरे पास एक ही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह आप अपने मोबाइल में लगे वाईफाई का जो है पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। जितने भी आमतौर राउटर होते हैं उनका यही सिस्टम होता है। इसी तरह आप जो है अपने वाईफाई मोबाइल में लगे का पासवर्ड जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर आपको जो है आईपी एड्रेस पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।